सब्सक्राइब करें हुंकार 24/7 को, दबाएं इस बेल आइकन को और देखें हमारी वीडियो सबसे पहले। आदाब दोस्तों, ओंकार मीडिया से मैं हूं अरमान मलिक। इस वक्त लखनऊ में जो कल योगी सरकार ने एक नया फरमान जारी किया, आदेश किया कि जो ई रिक्शा है लखनऊ में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक चलेगा। यहां पे हमारे पीछे तमाम रिक्शा चालक जो मौजूद हैं इसका विरोध कर रहे हैं और सारा रिक्शा एक जगह मैदान में इकट्ठा करके आज विरोध कर रहे हैं, धरने की मांग कर रहे, धरना दे रहे हैं और अपनी मांग कर रहे हैं। हमारे साथ रामचंद्र जी जो रिक्शा चालक के यूनियन अध्यक्ष हैं हमारे साथ मौजूद है, अभी इनसे हम बातचीत करेंगे। तो आप ये हमें बताइए कि क्या मांग कर रहे हैं आप लोग, क्या परेशानी है और सरकार ने ये जो फरमान जारी किया है कि सुबह 6 से शाम 6 बजे तक चलेंगे, क्यों आखिर इसका विरोध किया जा रहा है? और भी 8 मांगे हैं आपने, जो मांग की है जो आपका पर्चा हमने देखा उसमें, तो क्या उसमें मांग है आप बताइए? जो 6 से 6 रिक्शा चलने का प्रावधान सरकार कह रही है ये एक मेरे हिसाब से, यूनियन के हिसाब से गलत है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस अब 12 घंटे के अंदर 5 घंटा तो चार्जिंग चाहता है रिक्शा, और दूसरी चीज उसमें 450 रुपया हमें जिसका रिक्शा होता है उसको देना पड़ता है, उसके बाद हमारे पास बचता क्या है? इन कम समय में हम अपने परिवार को कैसे पालें, ये सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। और दूसरी तरफ जो 33 रूट बंद किए गए हैं वो DM ऑफिस से लेकर 16 किलोमीटर के दायरे थे, वो दायरा 16 किलोमीटर मतलब हो गया कि शहर से बाहर जाना, और शहर से बाहर जो है रिक्शे की कोई वक़्त नहीं है, क्योंकि वहाँ किसान जो है पैदल चलने के लिए सक्षम होता है, वहाँ वो 5 रुपया आपको नहीं दे पाएगा। और बाकी हमारी जो मांगे हैं नगर निगम से, नहीं इनको किया जाए, इनका पंजीकरण किया जाए, इनका ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाए, और जो जैसे नगर निगम से हो तो RTO से जो अब तक हो गया उसको सब छोड़ दीजिए, बाकी जो बचे हुए रिक्शे हैं उनको नगर निगम से किया जाए। और शहर के अंदर जो कहते हैं कि ट्रैफिक जाम हो रहा है वो हमारे ई रिक्शे से ही नहीं जाम हो रहा है, बाकी चारपहिया भी है, टेम्पो भी है उसके बीच में, और आक्रमण भी है, ये सब चीज़ों से ट्रैफिक जाम हो रहा है। ये गलत का शासन का कहना गलत है कि ट्रैफिक हमारी वजह से जाम हो रहा है। अच्छा, अभी मैंने ये आप लोगों की एक मांग और है कि जो नए ई रिक्शे निकाले जा रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, मैंने मैंने इसलिए क्योंकि शहर के अंदर इतने रिक्शे आ चुके हैं, इनको आप न रूट दे रहे हो न इनको स्टैंड दे रहे हो, तो नए हम कहाँ ले जाएंगे? अगर आप सरकार रोजगार देना चाहती है तो इसका ये इसके अलावा कोई और भी रास्ता है उसको सामने रखें, उसके लिए हम तैयार हैं। जो गरीब लोग हैं जो भाई रिक्शा शहर में अधिक आ चुका है, तो अब अगर उसके अगर रिक्शे समस्या परेशानी है कि रोजगारी रोजगार को जोड़ने से दिया था, और भी तमाम तरीके हैं और दूसरा कोई रास्ता निकाले जिससे बेरोजगार शहर के नौजवानों को नौजवानों के हाथों को काम मिल सके। तो रिक्शा चालक में और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है वसूली को? बहुत दिक्कत है, वसूलियाँ हैं बहुत, गुंडे हमारा नाम है पप्पू सिद्दीकी। जहाँ हम जाते हैं 4 बाग में 8 जगह वसूली होती है, हम चलिए सामने दिखाएं, कैसर बाग में 4 बजे 4 जगह वसूली होती है, बगाजा गुंडा राज करते हैं, नहीं जो पैसा तो गए बांध कर खींच के मारते हैं, प्रशासन खड़ा रहता कोई बोलता रखे नहीं, पक्ष लेती है प्रशासन। आज में जाइए यही आज निषादगंज में है, यही आज गाँव में है, जहाँ भी रिक्शा वाले जाते हैं पैसे टोकन न दीजिए और मारते हैं, और प्रशासन खड़ा होकर मजा देखता है, प्रशासन कोई कुछ बोलता ही नहीं, प्रशासन खुद ही कराता है, प्रशासन कहते हैं प्रशासन की वसूली है, अभी निकाल लेते हैं चौक में।